गोसीप चुनाव का ऐलान होने के बाद से सबकी निगाहें इस पर टिक गई है। इसकी बड़ी वजह है कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं। इस उपचुनाव में एक किस्म से माहौल का पता चलेगा, साथ ही साथ बीजेपी के लिए ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की राजनीति टेस्टिंग भी हो जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सपा से सुधाकर सिंह आमने सामने होंगे। जाति समीकरण के हिसाब से बीजेपी उम्मीदवार का मामला भारी है। घोसी की सीट पर 71,000 दलित, 52,000 राजभर, 56,000 चौहान के साथ स्वर्ण वोट बीजेपी को मजबूत बनाते हैं। हालांकि लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि सपा के कोर वोटर मुस्लिम 86,000 और यादव 56,000 इसे काफी मजबूत बनाते हैं। वैसे माना जा रहा है कि अगर सुधाकर सिंह को टिकट मिलता है तो 15,000 राजपूत के साथ उनके पहचान वाले वोट इसे काफी दिलचस्प बना सकते हैं। गौरतलब है कि दारा सिंह हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन पर घोसी पर दाव लगा सकती है। बस अब हाईकमान के फैसले का इंतजार है। अगर हम समीकरण की बात करें तो सपा इस बार सुधाकर सिंह पर दाव लगा सकती है, इसके लिए मुलाकात का दौर भी जारी है। ऐसे में अगर दारा सिंह और सुधाकर सिंह आमने सामने आते हैं तो मुकाबला टक्कर का होगा। बात घोसी सीट की करें तो यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है और उसके बाद यादव और अनुसूचित वोटर। 2022 के विधानसभा में दारा सिंह बीजेपी छोड़ सपा में गए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान में उतारा गया था और वो चुनाव जीते भी थे। सुधाकर सिंह को पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, जबकि सुधाकर सिंह सपा के पुराने नेता माने जाते हैं। ऐसे में इस बार पार्टी सुधाकर सिंह पर दाव लगा सकती है। चुनाव में सिंपैथी वोट भी सुधाकर सिंह के ही खेमे में जा सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी सुधाकर सिंह को ही मिलते नजर आ रहे हैं। लिहाजा घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों में महामुकाबला देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।